सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। यूपी में अवैध कच्ची शराब को लेकर यूपी पुलिस कितना सख्त दिख रही है, इसका नजारा बलिया जनपद में देखने को मिला, जहां बासढी कोतवाली थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दियारे में मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की दो भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया है, जहां मौके से शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया है और शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलिया जनपद के बांसडी कोतवाली थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर दियारे में अवैध कच्ची शराब बनाने का यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था और कच्ची शराब घाघरा नदी के ठीक तीर पर बनाई जा रही थी। जरा गौर से देखिए, कच्ची शराब का गोरख धंधा इस क्षेत्र में बड़ी जोर शोर से चल रहा था। पुलिस इस क्षेत्र में कई बार छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन शराब पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार मुखबिर की सटीक सूचना से दो शराब तस्करों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई और 80 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण को भी पुलिस ने बरामद किया। मौके से एक मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। कल शराब बनाने की सूचना पर, अवैध शराब बनाने की सूचना पर सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र में थाना क्षेत्र बांसडी में छापामारी की गई थी। इसमें बड़ी मात्रा में लहन नष्ट किया गया है। दो अभियुक्त गण को 80 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है।